यहाँ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में जिस तरीके से आपका मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन आपका एक्टिव रहता है, उसी तरीके से जो भोजन और जल है उसका भी रिइंफोर्समेंट उतना ही पावरफुल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि जो भोजन और जल का रिइंफोर्समेंट है पॉजिटिव पुरस्कार, वो किसी भी प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करता है, क्योंकि ये मोटिवेशन है और ये आंतरिक मोटिवेशन है, बायोलॉजिकल है, यह बायोलॉजिकल है, आपकी जैविक अभिप्रेरणा है। तो जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो भूख प्यास नींद ये है, इस ये आपका पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के अंतर्गत आता है, और ये जितना प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करता है, यानी आपके पुरस्कार के अंतर्गत भोजन जल, ये आपकी प्राणी को जितना अनुक्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करता है, उतना ही मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो है वो भी प्राणी के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है। यहाँ कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत प्राणी को भोजन और जल जो पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है, जितना अभिप्रेरित करता है, जितना उद्दीप्त करता है, ठीक उसी तरह से आपका मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन भी प्राणी के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न करता है। यह रिसर्च में भी देखा गया है, कोई नई चीज़ नहीं है। हाइपोथैलेमस के कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं जो भोजन और जल, भोजन करने से और जल पीने से संबंधित जो अनुक्रियाएं होती हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ यह आत्म उद्दीपन की दर में भी वृद्धि करता है। यहाँ कहने का मतलब है कि हाइपोथैलेमस का कुछ स्पेसिफिक पार्ट, यहाँ मैं स्पेसिफिक पार्ट में उसी की बात करूँगी, VMS यानी वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस की ही बात करूँगी। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ जो प्राणी है उसकी अनुक्रिया जो है भोजन और जल के लिए जितना वो एक्टिव होता है, विशेष स्थल वही है उसके, जितना वो भोजन और जल के लिए उस एरिया से एक्टिव होता है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के लिए एक्टिव होता है, उतना ही वह आत्म उद्दीपन के लिए भी एक्टिव होता है। यानी कहने का मतलब है कि हाइपोथैलेमस का जो स्पेसिफिक पार्ट है वहाँ अगर विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है तो जो प्राणी है भोजन करने की अनुक्रिया के साथ ही आत्म उद्दीपन, सेल्फ स्टिमुलेशन, यानी मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन खुद से लेने की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाती है। यहाँ जो रिसर्च किए गए हैं हाइपोथैलेमस में उसके आधार पर ये कहा गया है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की, बात करेंगे हम अभिप्रेरणात्मक व्यवहार, क्योंकि जब तक प्राणी अभिप्रेरित नहीं होगा, जब तक प्राणी अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वह किसी व्यवहार को करने के लिए अनुक्रिया नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ अभिप्रेरणात्मक व्यवहार जो अनेक प्रकार के हैं, जैसे भूख प्यास और काम नींद, ये आपकी जो जैविक अभिप्रेरणा है का, इनका जो संचालन होता है, इनका जो नियमन होता है, उसमें हाइपोथैलेमस की मुख्य भूमिका होती है। यानी जो हमारी भूख से संबंधित क्रिया है, प्यास से संबंधित क्रिया है, काम यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इच्छाएं हैं, वो सब हमारी जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं, और इन अभिप्रेरणाओं के अंतर्गत इनका संचालन जब भी होता है तो हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। हम आपको जब भूख पढ़ा रहे थे तो सर मैंने आपसे कहा था कि हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हमें भूख की अनुभूति होती है। ब्लड में शुगर लेवल डाउन होता है, इसकी सूचना आपकी लीवर को जा रही है, लीवर जो है वो आपकी इस सूचना को मस्तिष्क के स्पेसिफिक पार्ट हाइपोथैलेमस में देता है, और हाइपोथैलेमस फिर एक्टिव होता है, ये सूचना देता है आपकी लीवर को, फिर ये सूचना आपकी आमाशय को जाती है और आकुंचन गति शुरू हो जाती है। तो यहाँ हाइपोथैलेमस आपकी जो जैविक अभिप्रेरणाएं हैं उसका जो है संचालन करता है, कहने का मतलब ये है। तो हमारी जैविक अभिप्रेरणाओं का संचालन हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है उसे मान लेते हैं हम। यही चीज़
यही आत्म उद्दीपन सेल्फ स्टिमुलेशन में भी पाई गई, यही सेल्फ स्टिमुलेशन में भी पाई गई। तो यहाँ जो रिसर्च किया गया है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पर, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो जिसमें हम व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण की प्रवृत्ति होती है, आकर्षण किसके प्रति, पुरस्कार के प्रति, हर कोई चाहता है कि मुझे पुरस्कार की प्राप्ति हो। तो ये पुरस्कार स्वरूप आपको स्माइल भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, भोजन हो सकता है, जल हो सकता है, या जिसे हमें आंतरिक रूप से प्राप्त करने की इच्छा है। तो ये जो आपको पुरस्कार प्राप्त हो रहा है उसमें अगर किसी की भूमिका है तो हाइपोथैलेमस की, यही जो है पुरस्कार, चूंकि हमको सुखद अनुभूति होती है, पुरस्कार से हमको सुखद अनुभूति होती है, इस सुखद अनुभूति के लिए, इस सुखद अनुभूति के लिए हम सेल्फ स्टिमुलेशन भी लेते हैं, आत्म उद्दीपन भी लेते हैं। तो यहाँ ये देखा जा सकता है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन प्राप्त करने के लिए पुरस्कारों से संबंधित अभिप्रेरणात्मक व्यवस्था का जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस से ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन से जो प्राणी को प्राप्त होता है, इस उद्दीपन से जो अनुभूति होती है वह उसके लिए पुरस्कार का कार्य करता है, यानी उसे सुखद अनुभूति होती है। इससे प्राप्त करने के लिए या इससे संबंधित जो अभिप्रेरणात्मक व्यवस्था होती है, सेल्फ स्टिमुलेशन से रिलेटेड अभिप्रेरणात्मक जो व्यवस्था होती है उसका भी नियमन किसके द्वारा हो रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा हो रहा है, और उसी जगह से हो रहा है जहाँ से कि आपके जो भूख प्यास नींद काम आदि जो अभिप्रेरणात्मक व्यवहार हैं, जिस जगह से हाइपोथैलेमस उसका नियंत्रण करता है उसी एरिया से, उसी जगह से वो सेल्फ स्टिमुलेशन का भी नियंत्रण करता है। क्लियर है? यहाँ जो आपकी प्राणियों की मैं बात करूँ तो भूख में परिवर्तन करने के से, भूख में परिवर्तन करने से, क्योंकि भूख भी आपकी जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ रहा है, भूख में परिवर्तन करने से मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो रिइंफोर्समेंट है के लिए जो निष्पादन किया जा रहा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जो भूख में परिवर्तन करने से मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन, भूख में परिवर्तन करने का यहाँ किससे मतलब है, कभी हमको बहुत जोर की भूख लगती है, कभी हल्की भूख लगती है, कभी विशिष्ट भूख लगती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, कभी लगता है कि आकुंचन गति आमाशय की बहुत अधिक बढ़ गई है, हमको अभी भोजन चाहिए, कभी लगता है कि कुछ देखा उसकी स्मेल आई, स्मेल बहुत अच्छी है, एक वो भूख हो गई, एक स्पेसिफिक हंगर, हमारी शरीर को जिस विशेष पदार्थ की ज़्यादा आवश्यकता होती है उस वैसे विशेष पदार्थ हमको खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये जो भोज्य पदार्थ हमको खाने में स्वादिष्ट लगते हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो हमारी जो भूख है उसके प्रति बढ़ जाती है, इसको कहा गया है स्पेसिफिक हंगर। क्लियर है? तो ये जो विशिष्ट भूख है वो भी हमारा, जो वही मैंने कहा कि भूख में परिवर्तन कर दिया जाए, तो परिवर्तन करने से जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन है, ठीक, उसके प्रवलन के लिए, रिइंफोर्समेंट के लिए अगर निष्पादन में परिवर्तन जरूरी है, अगर निष्पादन में परिवर्तन होगा तो हमारे निष्पादन में परिवर्तन होगा तो हमारे भूख का परिवर्तन जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो रिइंफोर्समेंट है वो हाइपोथैलेमस के उन्हीं भागों से नियंत्रित होता है जिन भागों से आपका भूख प्यास या अभिप्रेरणात्मक जो क्रियाएं होती है वो नियंत्रित होती हैं। क्लियर है? यहाँ सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है, तो यहाँ हम पशुओं में, प्राणियों में, क्योंकि जो भी रिसर्च किए गए हैं वो प्राणियों पे ही किए गए हैं, पशुओं पर किए गए हैं, स्पेसिफिक चूहे पे किया गया है, तो उसमें जो भूख में परिवर्तन किया गया है, भूख में परिवर्तन के साथ ही मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो दिया जा रहा था पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत, वहाँ हाइपोथैलेमस के वही भाग नियंत्रित कर रहे हैं, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन को ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस के वही भाग नियंत्रित कर रहे हैं जिन भागों के द्वारा
जो हमारी जैविक अभिप्रेरणा है उनका नियंत्रण होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाइपोथैलेमस की वो स्पेसिफिक पार्ट जैसे वेंट्रमीडियल हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस, इन्हीं के द्वारा जो जैविक अभिप्रेरणा है उसका भी नियंत्रण और नियमन हो रहा है। इसके साथ ही मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन, इसका भी नियंत्रण हो रहा है। साथ ही मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन के साथ भोजन भूख से संबंधित या भूख में परिवर्तन किया जाए, या उससे संबंधित कोई अभिप्रेरणा हो, या उससे संबंधित कोई निष्पादन हो, उसका भी नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा हो रहा है? हाइपोथैलेमस के द्वारा हो रहा है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करेंगे मानव सब्जेक्ट की, जो वैसे सब्जेक्ट जो ह्यूमन है और उनके मस्तिष्क में जो विद्युतीय उद्दीपन दिए जा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होता है? मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन मानव प्रयोजनों को जो दिए जाते हैं, तो यहाँ मस्तिष्क में मस्तिष्क सॉरी मनुष्य में मस्तिष्क के जो विद्युतीय उद्दीपन दिए जा रहे हैं, रिंफोर्समेंट दिए जा रहे हैं, कि भी पॉजिटिव रिंफोर्समेंट का उसी तरीके से कार्य करता है जैसे आपके चूहे में कर रहा था, बिल्ली में कर रहा था, कुत्ते में कर रहा था। तो मनुष्य में जो ये मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन दिए जा रहे हैं, ऐसे रिंफोर्समेंट मस्तिष्क के ब्रेन के कई स्थानों पर ऐसे उद्दीपन दिए जा सकते हैं, जैसे एमिग्डाला, सेप्टल एरिया या वेंट्रमेडियल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस और टेगमेंटम या मिड ब्रेन का जो टेगमेंटम है वहाँ पर भी दिया जा सकता है। यहाँ मनुष्य में भी कुछ ऐसे एरिया हैं, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन देने का क्षेत्र है जहाँ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की फीलिंग पर्सन को आती है, ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो दिया जा रहा है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्पेसिफिक मैं पुरस्कार की बात कर रही हूँ, तो जो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाता है इसका इफेक्ट जो है मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन के द्वारा मस्तिष्क के किस स्थानों पर दिया जा सकता है? तो स्थानों के नाम के अंतर्गत अगर आपका आएगा तो वहाँ पे आपका एमिग्डेला, सेप्टल एरिया, VMS यानी वेंट्रमेडियल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस या मिड ब्रेन का टेगमेंटम, ये थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? एमिग्डेला, सेप्टल एरिया, वेंट्रमेडियल हाइपोथैलेमस, लेटरल हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन का टेगमेंटम। क्लियर है? यहाँ यहाँ पर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दिए जा सकते हैं, और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट का जो ये इन्फोर्समेंट दिए जा रहे हैं मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन जो दिया जा रहा है उससे पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की फीलिंग पर्सन को होती है, व्यक्ति को होती है, मनुष्य को होती है। मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके आगे। यहाँ यहाँ तो जो दिया जा रहा है उससे पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की फीलिंग आ रही है। यहाँ जैसे पशुओं को दिया जा रहा था, जो चूहे थे उनको दिया जा रहा था, तो वहाँ भी जो रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है आपका मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन, तो मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन देने के बाद जो चूहा था वो सेल्फ स्टिमुलेट कर ले रहा था, यानी बटन दबा करके खुद को आत्म उद्दीपन दे रहा था। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या मनुष्यों में भी ऐसा जगह है मस्तिष्क में जहाँ पर सेल्फ स्टिमुलेशन देने के लिए मनुष्य एक्टिव हो जाता है, या वैसे रिंग पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के लिए वो एक्टिव होता है तो वो भी सेल्फ स्टिमुलेशन लेता है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, मनुष्य भी सेल्फ स्टिमुलेशन लेता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यानी मनुष्य के मस्तिष्क में भी ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जो पुरस्कार क्षेत्र के पास ही रहते हैं, यानी जहाँ पर हमको सुखद अनुभूति होती है, पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सुखद अनुभूति होती है, तो वैसे जो सुखद अनुभूति है उसके पास भी है, मनुष्य के पास भी है मस्तिष्क में, जहाँ पर में जो मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन दिया जाता है तो उसे उसे यानी मनुष्य को सुखद अनुभूति होती है, और इस सुखद अनुभूति को प्राप्त करने के लिए वो सेल्फ स्टिमुलेट करता है खुद को। ठीक है, सेल्फ स्टिमुलेशन लेता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मानव प्रयोजनों में,
तो जो हीथ 1964 है, हीथ साइकोलॉजिस्ट है, 1964 1964, उन्होंने अपना एक रिसर्च किया और अपने रिसर्च में उन्होंने बताया कि एक मानव प्रयोज ऐसा था जिसने एक घंटे में एक मानव प्रयोज एक ऐसा था जिसने एक घंटे में 1,000 से भी अधिक बार, 1,000 से भी अधिक बार विद्युतीय उद्दीपन लिया। बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पर कि 1,000 से भी अधिक बार, यानी ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में उसको जब मस्तिष्क के विद्युतीय उद्दीपन दिया गया तो उसे सुखद अनुभूति हुई, और इसके बाद उसने 1 घंटे में 1,000 से भी अधिक बार मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लिया। यहाँ ऑब्जर्वेशन जब किया गया तो ये पाया गया कि ऐसे पेशेंट्स जो साइकोसिस के होते हैं, मनोविक्षिप्त होते हैं, ऐसे पेशेंट मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन पुरस्कार के प्रति अधिक रुचि नहीं प्रदर्शित करते, उन्हें पुरस्कार के प्रति बहुत रुचि नहीं होती जितनी कि सामान्य व्यक्ति करते हैं। जैसे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को अगर मस्तिष्क की विद्युतीय उद्दीपन दिया जाए तो वो सिर्फ सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए ही विद्युतीय उद्दीपन लेगा। वो सिर्फ उद्दीप्त किस लिए हो रहा है? सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए, पुरस्कार प्राप्ति में उसे कोई रुचि नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, अगर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो वो सेल्फ स्टिमुलेशन सिर्फ अपने सुखद अनुभूति के लिए लेगा, उसे उसमें पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पुरस्कार में उसे कोई रुचि नहीं है, उसे सिर्फ ये है कि मुझे विद्युतीय उद्दीपन प्राप्त हो, उसको वो। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में स्पेसिफिक मैं रिवॉर्ड की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में वैसी मेडिसिन की जिसमें कि हम जैसी चाहते हैं वैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी मेडिसिन, ऐसी औषधियाँ जो प्रासंगिक प्रभावों के साथ साथ अवांछित प्रभाव भी उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, यानी जो हम चाहते हैं वो भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो चाहते नहीं हैं हम उसे भी उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन है। तो यहाँ मैं एक साइकोलॉजिस्ट का नाम लेना चाहूँगी, स्टाइन, 1962 1962, स्टाइन। उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पे उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पे ये ज्ञात किया कि ऐसी मेडिसिन जैसे एम्फिटामाइन का जो प्रभाव है, एम्फिटामाइन का जो प्रभाव है वो कैटकोलामार्जिनिक जो न्यूरॉन की क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। एम्फिटामाइन के प्रभाव से कैटकोलामार्जिनिक जो न्यूरॉन्स हैं उनकी क्रियाओं में, उनकी फंक्शन में जो है वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन है, जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन है उससे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मीन्स पुरस्कार प्राप्त करने की दर में वृद्धि हो जाती है। अभी पिछले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि जैसे पॉजिटिव जो आपकी मोटिवेशन है, और मैं पॉजिटिव मोटिवेशन के अंतर्गत मैं बायोलॉजिकल मोटिवेशन की बात कर रही हूँ, भीख भूख प्यास और नींद काम की, तो जो ऐसे आपके मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, उन अभिप्रेरणाओं में आपको बताया गया कि जो भूख की अभिप्रेरणा है उससे व्यक्ति अभिप्रेरित होता है या प्राणी अभिप्रेरित होता है तो भोजन के प्रति आकर्षित होता है, या आकर्षण जो है उसके नियंत्रण का केंद्र हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आपका स्पेसिफिक पार्ट जो था उसमें भी बताया गया आपको वेंट्रमीडियल हाइपोथैलेमस और आपका लेटरल हाइपोथैलेमस। इसके साथ ही मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन भी जो प्राणी था वो लीवर दबा करके लेता था, सेल्फ स्टिमुलेशन जिसको मैंने कहा था आप लोगों से। तो ये सेल्फ स्टिमुलेशन में आखिर वृद्धि क्यों हो जाती है? वृद्धि का कोई कारण होगा, बिना कारण के तो होगा नहीं कुछ। तो
यहाँ जो वृद्धि का कारण है, उस कारण को जानने के लिए स्टाइन 1962 ने कुछ मेडिसिन को लिया और उसके द्वारा उन्होंने रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने एम्फेटामाइन के प्रभाव में कैटकोलामाइनेजिक न्यूरॉन्स की जो फंक्शन है उस पर टेस्ट किया, और उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि कैटकोलामाइनेजिक जो न्यूरॉन फंक्शन है वो जो उसकी क्रियाएं हैं उसको बढ़ा देता है, जो स्नायुओं की क्रियाएं हैं उसको वो बढ़ा देता है। जब कैटकोलामाइनेजिक स्नायु की जो क्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उससे कैटकोलामाइनेजिक स्नायु की जो क्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उससे मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन में जो पुरस्कार है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, ठीक, उसे लेने की जो दर है, जो रेट है, उसका बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने अभी कुछ ही देर पहले जब उसकी बात की थी तो मैंने कहा 300 से लेकर के 1000 प्रति घंटा, 1 घंटे में 300 से 1000 बार लीवर दबा करके जो प्राणी है, जो चूहा था, जो रिसर्च हुआ था उसमें, कि जो चूहा था वो 300 से 1000 प्रति घंटे की दर से सेल्फ स्टिमुलेशन लिया करता था। तो इसका कारण क्या था वहां पे? कैटकोलामाइनेजिक स्नायविक क्रियाओं में वृद्धि। ये किसके कारण हो रहा था आपके? एम्फिटामाइन की वजह से। एम्फिटामाइन अगर न दिया गया होता तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं आती। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ एम्फिटामाइन जब भी दिया जाएगा तो जो कैटकोलामाइनेजिक जो स्नायु हैं उनकी क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि का परिणाम ये होता है कि मस्तिष्कीय जो विद्युतीय उद्दीपन दिए जा रहे हैं, मस्तिष्कीय विद्युतीय जो उद्दीपन दिए जा रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक, दूसरी तरफ से एक और मेडिसिन है। ये कौन सी मेडिसिन है आपकी? क्लोरप्रोमाजाइन और रिजपाइन। यहाँ क्लोरप्रोमाजाइन या रिजपाइन दोनों में से किसी को भी अगर प्राणी को दिया जाए तो यहाँ जो कैटकोलामाइन है उसकी मात्रा को वो घटा देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैटकोलामाइनेजिक जो स्नायु क्रियाओं में वृद्धि करने वाली जो मेडिसिन है वो एम्फेटामाइन है। ये आप लोगों के कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। ठीक, तो यहाँ जो क्लोरप्रोमाजाइन है और रिजपाइन है, ऐसी मेडिसिन जब किसी प्राणी को दी जाती है तो जो आपका क्लोरप्रोमाजाइन है और रिजपाइन है, ये दोनों मेडिसिन कैटकोलामाइन की जो मात्रा है उसको घटा देती है। कैटकोलामाइन की जो मात्रा है उसे घटा देती है। घटने का प्रभाव तो कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा, क्योंकि मेडिसिन ली जा रही है और कैटकोलामाइन भी घट रहा है, तो इसके प्रभाव में क्या होता है कि जो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन की दर है, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन की जो दर है, जो उसका रेट है, वो कम हो जाता है। ठीक, यहाँ पर जानना आपके लिए क्या ज़रूरी है कि कैटकोलामाइनों की जब मात्रा बढ़ती है तो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन के द्वारा पुरस्कार लेने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि जो कैटकोलामाइनिक जो स्नायविक क्रियाएं में वृद्धि हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? कैटकोलामाइन की मात्रा में बढ़ोतरी की वजह से, बढ़ने की वजह से। और ये बढ़ा क्यों? एम्फेटामाइन की वजह से। ठीक, लेकिन जब हम क्लोरप्रोमाजाइन दे रहे हैं या रिस्पाइन दे रहे हैं तो ऐसी मेडिसिन को देते ही, क्लोरप्रोमाजाइन या रिस्पाइन जो मेडिसिन है इसको देते ही जो कैटकोलामाइन की मात्रा है वो घट जाती है। कैटकोलामाइन की जो मात्रा है वो घट जाती है। इसका प्रभाव यही होता है कि मस्तिष्कीय जो विद्युतीय उद्दीपन है उसको देने की जो रेट है, वो जो दर है, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बस ये जान लेना है कि कैटकोलामाइन की मात्रा जब बढ़ती है तो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन लेने की जो दर है उसमें भी वृद्धि होती है। लेकिन जब कैटकोलामाइनों की मात्रा में कमी होती है, या ऐसी कोई मेडिसिन दी जाए जिससे कैटकोलामाइन की मात्रा में कमी आ जाए, तो इससे क्या होता है? मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो है उसकी दर में कमी आ जाती है। ठीक, इसमें से किसी भी मेडिसिन को दिया जाए, इसमें से चाहे हम एम्फिटामाइन की बात करें, चाहे क्लोरोप्रोमाइजाइन की बात करें,
इसमें से जब भी हम कोई भी मेडिसिन देंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव फिर वहीं पर होगा, न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, न्यूरॉन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसमें सीरोटोनिन, जिसको 5-HTP भी कहा गया है, सीरोटोनिन, मैंने आप लोगों से बात की थी इसके बारे में कि जब भी आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उसमें नर्व्स इम्पल्स चलना शुरू करते हैं तो जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे के जो बीच में आपके न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं जिसमें सीरोटोनिन होता है, तो सीरोटोनिन को 5-HTP भी कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ जो इस न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन में जो आगे बढ़ता है स्नायु नर्व इम्पल्स, स्नायु पथों में नर्व इम्पल्स जब आगे बढ़ता है तो उसमें आपका सीरोटोनिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य कर रहा है, अब वह लगभग तय कर लेता है कि हमको इतना ही सिक्रेशन करना है। जब उसका उतना ही सिक्रेशन होगा तो मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन की जो है, मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन जो है वो पुरस्कार की प्रक्रिया में, पुरस्कार लेने की, यहाँ लीवर दबा करके जो आपका सेल्फ स्टिमुलेशन लिया जा रहा है वहाँ पे, वहाँ पर सीरोटोनिन कोई योगदान नहीं करता। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब सीरोटोनिन, कहाँ मिलेगा ये सीरोटोनिन? न्यूरोट्रांसमीटर है तो जाहिर सी बात है कि वो हमको मिलेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे। सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जब वो हमको मिलेगा, ठीक, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो जब वहाँ सिक्रेट करता है तब उस कंडीशन में जब मस्तिष्कीय विद्युतीय उद्दीपन दिया जा रहा है तो वहाँ पे सीरोटोनिन कोई योगदान नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता। ठीक, यहाँ पर योगदान कौन कर रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। यहाँ पर किसका योगदान हो रहा है? नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन का। सीरोटोनिन का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है। ठीक,